नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोटा यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर रिजल्ट को लेकर। बीए, बीएससी, बीकॉम कब रिजल्ट जारी होगा, कोटा यूनिवर्सिटी के प्रशासन अधिकारियों ने इसको लेकर क्या कहा है, कब, पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूजी और फाइनल की परीक्षाओं का मामला है। अब यहाँ पर देखिए, परिणाम जारी किया नहीं और कर दी प्रवेश की तिथि घोषित। अब इसमें बताया जाएगा जो अधिकारी हैं, प्रशासन अधिकारियों ने क्या कहा है रिजल्ट को लेकर, इस वीडियो में आप देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूँ, असमंजस में विद्यार्थी अन्य परीक्षाओं के लिए नहीं कर पा रहे आवेदन। यहाँ पर देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी ने गत दिनों में आयोजित यूजी और पीजी फाइनल की परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं किया है। इधर कॉलेज आयुक्त कार्यालय ने पीजी परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। दोस्तों ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ऐसा रहेगा कार्यक्रम। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना शुरू होगा 3 दिसंबर 2020 से। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2020। ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि है 19 दिसंबर 2020। तो आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इधर कॉलेज आयुक्त कार्यालय ने पीजी परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। नियमित प्रवेश के लिए 3 दिसंबर से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम नहीं आने से उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि उनका रिजल्ट कब आएगा। लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी के प्रशासन अधिकारियों का क्या कहना है, देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए कोटा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि 1 या 2 दिन के भीतर भीतर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी विद्यार्थी परेशान हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने बता देता हूँ आपको, 1 या 2 दिन के भीतर भीतर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।